हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिबिल सॉल। प्रीवियस लेक्चर में आपने सीवेज से रिलेटेड टॉपिक जो है पढ़े थे। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो कुछ अलग अलग टाइप के प्रोसेसेस होते हैं स्लज के, तो उसमें एक प्रोसेस है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। तो ये प्रोसेस क्या होता है वो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। जो आप सेकेंडरी ट्रीटमेंट कर रहे थे उसमें पहला आप ट्रिकलिंग फिल्टर प्रोसेस पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो मेथड आता है दैट इज एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें ये जो है आपका एरोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम है। इसमें क्या होता है, बेसिकली आप इसको एक कर्व के थ्रू देख सकते हैं। ये है टाइम ड्यूरेशन डेज में, और इधर आप शो कर रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर, या इसको आप फूड भी बोल सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं बीओडी। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा बीओडी भी उतनी होगी। एंड दूसरी तरफ आप दिखा रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स या बायोमास। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कह सकते हैं या बायोमास कह सकते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होंगे बायोमास भी उतना ही ज़्यादा बनेगा। ठीक है, तो इसको जो है बेसिकली चार फेज में डिवाइड करते हैं। तो ये आपका फर्स्ट फेज है, ये है सेकेंड फेज, ये है थर्ड फेज, और ये है फोर्थ फेज। तो क्या होता है कि आपको पता है कि जैसे जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मैटर जो है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होता चला जाता है। ये है आपका ऑर्गेनिक मैटर या फूड कर्व। और दूसरे साइड अगर आप देखें तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स क्या होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ग्रो करते चले जाएंगे, यानी जितना ज़्यादा उन्हें फूड मिलेगा डिकम्पोजिशन करेंगे उतना ही ज़्यादा वो ग्रो करेंगे। तो फाइनली माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो हैं का कर्व कुछ इस टाइप का आता है। ये जो है आपके माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स या बायोमास। तो क्या होगा, जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उतना ही ज़्यादा डिकम्पोज करेंगे, और फाइनली बायोमास की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। यहाँ पर फेज, फर्स्ट फेज को बोला गया है लैग फेज, और सेकेंड फेज को कहते हैं लॉग फेज। थर्ड फेज जो आता है आपका उसको कहते हैं स्टेशनरी फेज, और फोर्थ फेज जो है वो आपका कहलाता है एंडोजेनस फेज। एंडोजेनस फेज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि आपने देखा इनिशियली फर्स्ट फेज या लैग फेज की बात करें तो अभी ऑर्गेनिक मैटर यानी वाटर जो है वो आपने ऑर्गेनिक मैटर के कॉन्टेक्ट, ऑर्गेनिक मैटर जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के कॉन्टेक्ट में आया ही है। तो उस समय वो फूड और इन्वायरमेंट से उतना ज़्यादा यूज टू नहीं है, उतना ज़्यादा फैमिलियर नहीं है, तो फाइनली वो जो है उतना डिकम्पोजिशन नहीं करेगा और जो उसकी ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा कम होगी। लेकिन जैसे ही ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स लॉग फेज में आएगा तो ये अब यूज टू हो चुका है, यानी फूड वगैरह या इन्वायरमेंट से फैमिलियर हो गया है, तो इसने बहुत तेज़ी से डिकम्पोज करना शुरू किया ऑर्गेनिक मैटर को, और फाइनली इसकी ग्रोथ जो है बहुत तेज़ी से होने लगी। एक टाइम आया जो थर्ड फेज है जिसको कहते हैं स्टेशनरी फेज, कि अब फूड जो है वो डिकम्पोज हो चुका है यानी फूड बायोमास में कन्वर्ट हो चुका है। तो फाइनली क्या होगा कि फूड कम होता चला गया है, तो अब यहाँ पर ये नॉर्मली स्टेशनरी फेज है कि ना ही माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ग्रो हो रहे हैं ना ही कम हो रहे हैं। फिर जैसे ही ये फोर्थ या एंडोजेनस फेज में आता है, मतलब फूड कम्प्लीटली जो है डिकम्पोज हो चुका है, तो अब सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स बचे, तो वो क्या करेंगे, वहाँ पर एंडोजेनस रेस्पिरेशन शुरू हो जाएगी, वो अपने आप को ही किल करने लगेंगे। तो फाइनली उनका जो बायोमास है, जब उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स खुद ही किल होने लगे तो बायोमास की क्वांटिटी क्या होती जाएगी, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो खुद ही कम होते चले जाएंगे। तो ये चार फेज में ये प्रोसेस होता है। देख लीजिए, इन फेज वन जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो उतने ज़्यादा फैमिलियर है, यूज टू नहीं है फूड और इन्वायरमेंट के साथ, इसीलिए इनकी जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा कम है। इफ़ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आर यूज टू फूड एंड एनवायरनमेंट, अगर ये फैमिलियर हो गए तो ये जो ड्यूरेशन है टू गिवन टू द ड्यूरेशन ऑफ दिस लैग फेज रिड्यूसेस, फिर क्या होगा, ये फेज की ड्यूरेशन रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद जैसे ही वो सेकेंड फेज या लॉग फेज में आते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स अब फैमिलियर हो चुके हैं फूड से, तो वो क्या करेंगे, उनकी जो रेट है ग्रोथ की वो कंपैरेटिवली हाई होने लगेगी, जिसकी वजह से जो रैपिड डिक्रीज होगा ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द सिस्टम, यानी ऑर्गेनिक मैटर बहुत तेज़ी से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इन दिस फेज जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं,
एज दे रिप्रोड्यूस बाई सेल्फ डिविजन, वो खुद से जो है वो और ज़्यादा रिप्रोड्यूस करने लगते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़ने लगते हैं। इन नॉर्मल एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस द इंटायर सिस्टम इज ट्राई टू बी मेंटेन इन लॉग फेस। अगर आप बात करें तो पूरा का पूरा सिस्टम किस में मेंटेन रहता है? लॉग फेस में, क्योंकि जितना ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो होंगे उतना ही ज़्यादा डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिक मैटर का होगा। तो अगर स्टेशनरी फेज में बात करें तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ है वो स्लाइटली ऑफसेटेड ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ ऑफसेटेड हो जाती है, मतलब क्या, धीरे धीरे रुकने लगती है फूड की कमी की वजह से, ठीक है। तो एज कंप्लीट रिमूवल ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द लास्ट फेज, जब आपको पता है कि पूरा पूरा फूड जो है रिमूव हो चुका है, तो उस केस में एंडोजेनस रेस्पिरेशन जो है वो शुरू हो जाता है, जो रिजल्ट इन रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द सिस्टम। इसका मतलब होता है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं सिस्टम में वो अपने आप को ही किल करने लगे और फाइनली उनका रिमूवल शुरू हो गया। तो ये फेस आपका कहलाता है लास्ट का एंडोजेनस फेस, ठीक है। अब सपोज अगर आप बात करते हैं बायोमास की, यानी कि बायोमास क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो बायोमास को आप यहाँ पे शो कर रहे हैं एक्स से, और वही फूड या ऑर्गेनिक मैटर या बीओडी अगर आप बात करें तो इसको आप शो कर रहे हैं एस से। तो जो बायोमास है, तो आपको पता है कि जो कर्व है बायोमास का वो क्या है, कंटिन्यूसली डिक्रीज होता चला जा रहा है। नहीं नहीं बायोमास सॉरी, ये जो बायोमास का कर्व है वो कुछ इस टाइप से आ रहा है, यानी कि एक लेवल तक तो ये इंक्रीज हो रहा है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, फिर उसके बाद बायोमास की कम क्वांटिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो अगर ग्रोथ की बात करें, यानी यहाँ से यहाँ तक की बात करें, यहाँ तक ग्रोथ हो रही है, तो आपको पता है कि जितना ज़्यादा बायोमास का रेट होगा, यानी जितना ज़्यादा बायोमास प्रेजेंट होगा, उतने ही तेज़ी से जो है ये इसका डिक्रीज होगा। यानी ओवरऑल जो ग्रोथ है, इसका जो रेट है बायोमास का कम होने का, वो जितना ज़्यादा बायोमास प्रेजेंट होगा उतनी ही तेज़ी से जो है इसकी ग्रोथ होती रहेगी, क्लियर है। तो जैसे कि बायोमास अगर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है तो उसका रेट भी उतनी तेज़ी से ग्रो होता चला जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं dx अपॉन dt को, तो यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट आ जाता है k इंटू एक्स, ठीक है। तो एक ये इक्वेशन बन जाती है जहाँ k क्या है, ओवरऑल ग्रोथ रेट कॉन्स्टेंट है, क्योंकि कंटिन्यूसली ग्रोथ रेट हो रही है, जितना ज़्यादा बायोमास होगा उतना ही ज़्यादा ग्रोथ होती चली जाएगी। ये डिपेंड्स करता है टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे, जहाँ x क्या है, या तो बायोमास है, या इसको MLSS भी बोलते हैं, मतलब मिक्सड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड्स, MLVSS भी बोलते हैं, इसका मतलब होता है मिक्सड लिक्विड वॉलाटाइल सस्पेंडेड सॉलिड्स, सस्पेंडेड सॉलिड वॉलेटाइल सॉलिड्स कहलाते हैं, ठीक है। तो जो MLSS है, इट इज़ टेकन एज इंडेक्स लिविंग या एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द मिक्सड लिक्वर, यानी कि ये आप तब लेते हैं जब एक्टिव या लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिक्सड लिक्वर में प्रेजेंट रहते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स कि सेल मास, ये डेड सेल मास इंक्लूड करता है, एंड इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन वेस्ट वाटर। तो वेस्ट वाटर में या डेड सेल मास है, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी है, तो ये उसको इंक्लूड करता है। हैंस इन ऑर्डर टू अवॉइड द इफेक्ट ऑफ इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी, अगर आप इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी को अवॉइड करना चाहते हैं तो MLVSS प्रेफर कर देते हैं टू MLSS, यानी MLVSS का मतलब मिक्स लिक्विड वॉलाटाइल, जो रिमूव हो सकते हैं। अब इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी तो रिमूव नहीं हो सकती, इसीलिए MLBSS को प्रिफर कर देते हैं कंपैरेटिवली MLSS के। अब सपोज नेक्स्ट आता है एंडोजेनस रेस्पिरेशन, तो आपको पता है कि यहाँ तक तो ग्रोथ हुई, उसके बाद यहाँ से क्या हो गया, फोर्थ फेज में एंडोजेनस रेस्पिरेशन शुरू हो गया। मतलब क्या है, जितना ज़्यादा बायोमास होगा उसका डिक्रीज होने का रेट भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो फाइनली क्या होगा, क्योंकि आपस में किल उतना ही करेंगे ना, जितना ज़्यादा में क्वांटिटी में प्रेजेंट होंगे, तो ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन यहाँ पर आप माइनस साइन का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये बायोमास क्या हो रहा है, इसका ये डिक्रीज होता जा रहा है, कंटिन्यूसली कम होता जा रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा था इसलिए आपने प्लस साइन का यूज़ किया था। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कॉन्स्टेंट आ जाएगा, जिसको कहते हैं KER इंटू एक्स, जहाँ KER क्या है, एंडोजेनस डिके रेट कॉन्स्टेंट, यानी ये डिके हो रहा है कंटिन्यूसली, एंडोजेनस रेस्पिरेशन शुरू हो गई, तो एंडोजेनस डिके रेट कॉन्स्टेंट कहते हैं। फॉर म्यूनिसिपल सीवेज, जो एंडोजेनस डिके रेट कॉन्स्टेंट है उसको आप 0.06 पर डे कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये एक एनालिसिस हो गई। तो अगर आप ओवरऑल एनालिसिस देखें तो dx अपॉन dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, पीछे k इंटू एक्स थी, k इंटू एक्स, इधर क्या है, माइनस KER इंटू एक्स,
ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू के माइनस के ई आर इन टू एक्स। तो ये ओवरऑल इक्वेशन एक बन जाती है बायोमास के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं फूड कर्व की। तो ये तो बायोमास कर्व की बात हो गई। अब फूड कर्व में आप जानते हैं कंटिन्यूअसली फूड जो है डिक्रीज होता चला जा रहा है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंटिन्यूअसली इसको डिकम्पोज कर रहे हैं। तो ये आपका फूड है, इसको एस से डिनोट करते हैं। तो आपको पता है कि जितना ज़्यादा फूड होगा प्रेजेंट, उसका डिके रेट उतना ही ज़्यादा होगा, यानी जो रेट है कम होने का वो उतनी तेजी से बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर एस के साथ माइनस साइन यूज़ करेंगे, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो डी एस अपॉन डी टी की वैल्यू आ जाएगी माइनस के डी इंटू एस, यहाँ के डी क्या है, डिके रेट कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये आपका कहलाता है डिके रेट कॉन्स्टेंट। तो आपको पता है कि अगर आपको एक रिलेशन ये और पुराना रिलेशन मिल गया, तो रिलेटिंग वन एंड टू, अगर आप ये देखें कि मैं ये कहूँ कि सपोज वाई परसेंटेज जो है, वाई यानी कि डी एस अपॉन डी टी जो फूड का वाई परसेंट जो कम हो रहा है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, बायो मास में। यानी कि सपोज कोई फूड है, ठीक है, वो फूड डिक्रीज होता चला जा रहा है, फूड का क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, कम हो रहा है, कितना, वाई परसेंट कम हो रहा है। यानी जब वाई रेशियो परसेंट में कम हो रहा है तो ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, ये आपका बायोमास में कन्वर्ट हो रहा है, उतना ही कन्वर्ट हो रहा है जितना ये फूड डिक्रीज हो रहा है। तो सपोज इसका वाई परसेंट कम हुआ तो ये कन्वर्ट किस में हो गया, बायोमास में। यहाँ माइनस साइन इसलिए क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है और वो बायोमास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो एक रिलेशन ये बन जाता है माइनस वाई डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। लेकिन यहाँ पर जो dx अपॉन dt की वैल्यू है ये आपकी k इंटू एक्स है, k er का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये सिर्फ आप पॉजिटिव इसलिए ले रहे हैं, सिर्फ ग्रोथ तक की बात कर रहे हैं, यानी जो कंटिन्यूसली ग्रोथ कर रहा है तो फाइनली उसका इतना परसेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ तक जो कॉन्स्टेंट यूज़ किया था वो आपने क्या यूज़ किया था, k, ठीक है। इसके बाद एंडोजेनस रेस्पिरेशन शुरू हो गया था तो ये खुद ये भी कम होने लगा, तो इसका इससे कोई लिंक नहीं रहा क्योंकि फूड तो खत्म हो चुका है, तभी ये खुद को एंडोजेनस रेस्पिरेशन यहाँ शुरू हो गया। तो सिर्फ फूड तक की बात है कि जैसे जैसे फूड इतना परसेंट डिक्रीज हो रहा है उतनी ही तेजी से बायोमास इंक्रीज हो रहा है। तो देख लीजिए इन एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, जो स्लज जनरेट हो रहा है सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक से, उसमें मोस्टली जो है लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, जिसको फिर से आप रीसर्कुलेट कर दे रहे हैं, ठीक है। जब आप रीसर्कुलेट कर दे रहे हैं, क्योंकि रीसर्कुलेशन करते हैं बैक इनटू द सिस्टम टू कैरी आउट द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, यानी फिर से ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन हो सके सिस्टम में, तो उसको फिर से रीसर्कुलेट कर ले रहे हैं। इसीलिए इस प्रोसेस को कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे हैं, एक्टिव हैं, ठीक है, यानी एक्टिव है मतलब लिविंग है, इसीलिए आप इसको कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। जैसे कि सपोज ये डिस्चार्ज है कोई क्यू नॉट, तो इसको सबसे पहले आपने क्या किया, पीएसटी यानी प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में भेजा। तो ये क्यू नॉट है, इसमें जो है बायोमास क्या है आपका एस नॉट। इसके बाद आपने इसको एरेशन टैंक में भेज दिया, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन होगी। तो फाइनली क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का डिकम्पोजिशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करेंगे ऑर्गेनिक मैटर को। फिर यहाँ से जो डिस्चार्ज आएगा वो सपोज क्यू नॉट प्लस क्यू आर आ रहा है, इसको आपने सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में भेज दिया। यहाँ से जो भी वाटर आया इसको फिर से आपने रीसर्कुलेट करके एरेशन टैंक में भेज दिया। तो ये क्यू आर यहाँ पे आ गया और यहाँ से जो निकला वो डिस्चार्ज क्या निकला, क्यू नॉट। तो ये ओवरऑल प्रोसेस जो है रीसर्कुलेशन चलता रहता है और इसके थ्रू जो प्रोसेस कहलाता है ये आपका एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस कहलाता है। जो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है वो एक सस्पेंडेड ग्रोथ कल्चर है, क्योंकि ये सस्पेंशन में, क्योंकि जो स्लज है फिर से आप रिटर्न कर दे रहे हैं। इस परफॉर्म्ड एंड फ्लो रिजीम इन द टैंक मे बी एनी ऑफ द फॉलोइंग, तो इसको क्या कर रहे हैं, फिर से आप वापस कर दे रहे हैं, रीसर्कुलेट कर दे रहे हैं, जिसके थ्रू इजीली जो है फिर से ऑर्गेनिक मेटल डिकम्पोज हो रहा है। इसीलिए इसको कहते हैं सस्पेंडेड ग्रोथ कल्चर। तो इसमें जो फ्लो रिजीम है, यानी फ्लो हो कैसे रहा है टैंक में, तो उसके दो प्रोसेस है। पहला प्रोसेस कहलाता है आपका कंप्लीट मिक्स प्रोसेस। कंप्लीट मिक्स प्रोसेस में होता क्या है, जो डिस्चार्ज आया है इसको सपोज आपने पीएसटी में भेजा, इसके बाद जो है यहाँ पे एक एरेशन टैंक लगा देते हैं, तो इसमें जो ऑक्सीजन फ्लो करा रहे हैं, ठीक है, जिससे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका प्रॉपर कॉन्टैक्ट हो सके, और जो फ्लो आ रहा है, जो डिस्चार्ज आ रहा है सपोज ये की नॉट पीएसटी से,
तो इसमें क्या होता है कि इसमें ये आप लगा देते हैं ब्लेड्स वगैरह और इसको इसमें रोटेशन देते हैं, ठीक है, यानी जिससे कि जो बायोमास है, जो फूड है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ प्रॉपरली कांटेक्ट में आ सके। इसके बाद जो है इसको आप सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में भेज देते हैं, यहाँ से डिस्चार्ज सपोर्ट्स क्यू नॉट निकला, फिर से जो भी डिस्चार्ज यहाँ आया इसको आपने रिसर्कुलेट कर दिया QR, यानी कि रिसर्कुलेट डिस्चार्ज जो है आपने फिर से एरेशन टैंक में भेज दिया। तो इससे क्या होता है कि जब आपने यहाँ पे जो मैकेनिकली मिक्सिंग दी तो उससे जो भी होमोजेनस एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रॉपरली कॉन्टैक्ट में आ गए और रिसर्कुलेटेड डिस्चार्ज प्रोवाइड कर दिया, जिससे कि ऑर्गेनिक मैटर इजीली डिकम्पोज हो गया। तो यहाँ पे जो फूड बाई F/M रेशियो होता है, यानी F क्या है, यहाँ पे फूड है, ठीक है, और M क्या है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या बायोमास कह सकते हैं, या आप इनको MLSS या MLBSS बोल सकते हैं, ठीक है, और जहाँ फूड है इसको आप या तो BOD या ऑर्गेनिक मैटर कुछ भी बोल सकते हैं। तो इनका जो रेशियो है वो यूनिफॉर्म रहता है थ्रू आउट, यानी कि पूरे टैंक में यूनिफॉर्म रहता है। अब सपोज फूड बाई एम रेशियो डिक्रीज हो रहा है, फूड बाई एम रेशियो जो है वो डिक्रीज हो रहा है, मतलब फूड जो है कम होता जा रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब है जो इफिशियंसी है वो क्या होगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि जब इफिशियंसी बढ़ रही होगी तभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड को डिकम्पोज कर रहे होंगे, उसकी वैल्यू को कम कर रहे होंगे। तो फूड बाई एम रेशियो जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रेशियो को ये क्या कर रहे हैं, फूड कम कर रहे हैं, मीन्स इफिशियंसी को बढ़ा रहे हैं। देख लीजिए कि इन कंप्लीट मिक्स प्रोसेस, जो कंप्लीट मिक्सिंग है वो इंड्यूस्ड करते हैं इन द एरेशन टैंक विच क्रिएट्स अ होमोजेनस एनवायरनमेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द टैंक, ये पूरा एक जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है, देयर बाई जिससे कि अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए प्रेजेंट इन रिसर्कुलेटेड एक्टिवेटेड, क्योंकि यहाँ पे रिसर्कुलेशन डिस्चार्ज जो है वो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और जो एक्टिवेटेड स्लज है टू कम इन कॉन्टैक्ट विद ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वेस्ट वाटर, देयर बाई इंक्रीजेज इट्स रेट ऑफ रिमूवल। तो ये क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिक मैटर के कॉन्टैक्ट में आते हैं वेस्ट वाटर में, जिससे वजह से इनका रिमूवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इट इज़ जनरली अडॉप्टेड फॉर प्लांट लेस देन 25 मिलियन लीटर पर डे, यानी कि 25 MLD से कम के लिए जो प्लांट है उसके लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर स्क्वायर और सर्कुलर टैंक्स जो हैं फिट कर देते हैं विद मैकेनिकल एरेटर के साथ आर यूज्ड इन दिस केस, यानी जो मैकेनिकल एरेटर लगाते हैं जो एरेशन टैंक है तो वहाँ पर उनके साथ स्क्वायर और सर्कुलर टैंक को फिट करते हैं। ऑपरेशनल स्टेबिलिटी जो है सिस्टम की विद रिस्पेक्ट टू शॉक लोडिंग वो कंपैरेटिवली ज़्यादा रहती है। फूड बाई F/M रेशियो, मतलब F फूड हो गया, ऑर्गेनिक मैटर BOD, और M क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बायोमास MLSS या MLBSS। तो जैसे जैसे फूड बाई एम रेशियो कम होता जाएगा, मतलब इफ़िशियंसी जो है वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। तो जो F/M रेशियो है एंड ऑक्सीजन डिमांड इज़ यूनिफॉर्म थ्रू आउट द टैंक, तो ये पूरे टैंक में यूनिफॉर्म रहती है, जितनी ज़्यादा F/M रेशियो होगा इफ़िशियंसी उतनी ही ज़्यादा होगी एंड वाइस वर्सा, यानी अपोजिट, तो जितना ज़्यादा F/M रेशियो होगा उतनी ही कम इफ़िशियंसी होगी। अब नेक्स्ट आता है रिजीम प्रोसेस, प्लग फ्लो प्रोसेस। अब नेक्स्ट प्रोसेस आता है प्लग फ्लो प्रोसेस। तो प्लग फ्लो प्रोसेस के थ्रू जो है आप फ्लो कराते हैं, तो इट इज़ अ कन्वेंशनल सिस्टम विच इज़ जनरली यूज फॉर प्लांट्स ग्रेटर देन 300 MLD, यानी उन प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं जिनका 300 MLD से ज़्यादा हो। तो अभी आपको पता था कि जो कंप्लीट मिक्स प्रोसेस है वो लेस देन 25 MLD के लिए ही आप यूज़ कर पा रहे थे, लेकिन अगर 300 से भी ज़्यादा है तो आप प्लग फ्लो प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं। प्लग फ्लो प्रोसेस इम्प्लाइज दैट जो वेस्ट वाटर है इसमें आप क्या करते हैं, सपोज ये डिस्चार्ज है क्यू नॉट, इसको आपने क्या किया PST में भेजा, इसके बाद यहाँ से जो डिस्चार्ज आया यहाँ पे आपने एक एरेशन टैंक बनाया, ठीक है, बट इसको काफ़ी ज़्यादा नैरो और लॉन्ग बनाया। तो इससे क्या होगा, इसमें कोई भी मिक्सिंग जो है आपने मैकेनिकली मिक्सिंग इंड्यूस नहीं करी, ये सपोज ऑक्सीजन है, ये आपका एरेशन टैंक है, ठीक है, तो इसकी लेंथ जो है आपने कंपैरेटिवली ज़्यादा प्रोवाइड करी और नैरो बनाया। इसके बाद यहाँ से जो डिस्चार्ज निकला फिर ये सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक से होता हुआ यहाँ से रिसर्कुलेट हो गया। तो इस टाइप से क्या होता है, ये आपका प्लग फ्लो प्रोसेस कहलाता है। इसमें क्या है कि जो भी डिस्चार्ज आया, यानी जो भी डिस्चार्ज आया है आपका एरेशन टैंक में,
तो वो फाइनली उसमें कोई मैकेनिकल मिक्सिंग नहीं है, लेकिन जैसे जैसे लेंथ बढ़ रही है धीरे धीरे टाइम भी बढ़ता रहेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग एफ बाई फूड बाई एम रेशियो जो है, एफ बाई एम रेशियो, इसकी वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी, क्योंकि जितना ज़्यादा धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कॉन्टैक्ट में आता रहेगा और फाइनली इनका डिकम्पोजिशन होता रहेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसमें आपको पता है टाइम ज़्यादा लग रहा है, जब टाइम ज़्यादा लग रहा है तो ये नाइट्रोजनस पीओडी है उसको भी सेटिस्फाई कर देगा, मतलब यहाँ पर क्या है एंडोजेनस रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है, यानी टाइम ज़्यादा लगने के साथ साथ यहाँ पे नाइट्रोजनस पीओडी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। देख लीजिए, प्लग फ्लो प्रोसेस इम्प्लाइज दैट वेस्ट वाटर मूव्स अलॉन्ग द लेंथ ऑफ टैंक प्रोग्रेसिवली फॉर सफिशियंट ड्यूरेशन इन विच ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन इट। मतलब क्या है, ये लेंथ के अलोंग मूव करता है सफिशियंट ड्यूरेशन के लिए, जिसमें जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है वो स्टेबलाइज हो जाते हैं एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्शन की वजह से, जो कि सिस्टम में इंड्यूस हो रहे हैं ड्यू टू स्लज रिटर्न। यानी फिर से आप स्लज को रिटर्न कर रहे हैं, जिसकी वजह से फिर से ये क्या हो रहे हैं, फिर से ये स्टेबलाइज हो रहा है, यानी ऑर्गेनिक मैटर और ज़्यादा डिकम्पोज होता चला जा रहा है। तो इस केस में क्या होता है, लॉन्ग नैरो चैनल्स यूज करते हैं इन विच वेस्ट वाटर एंड एक्टिवेटेड स्लज जो है इज फेड एट द इनलेट एंड डिकम्पोज बायोमास जो है वो आप आउटलेट पे कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यानी ये फाइनली इनलेट से आया वेस्ट वाटर और फाइनली आउटलेट्स पे जो स्लज जो डिकम्पोज हुआ जो बायोमास बना उसको आपने आउटलेट पे कलेक्ट कर लिया। तो ये आपका प्लग फ्लो प्रोसेस कहलाता है। इसमें जो फूड बाई एम रेशियो है, एफ बाई एम रेशियो और ऑक्सीजन डिमांड जो है वो डिक्रीज होती जाती है लेंथ के अलॉन्ग ऑफ द टैंक, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी फूड जो है वो डिकम्पोज होता जाएगा, बायोमास में कन्वर्ट होता चला जाएगा, तो ये रेशियो क्या होता जाएगा, डिक्रीज। तो जो ट्रीटमेंट है वेस्ट वाटर का, अप टू नाइट्रेट लेवल तक ट्रीटमेंट हो जाता है, यानी क्योंकि आपको पता है नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर को भी सेटिस्फाई कर देता है, टेक्स प्लेस इन द प्रोसेस एज सफिशियंट टाइम इज अवेलेबल फॉर ऑटोट्रॉप्स। तो इसमें ऑटोट्रॉप्स के लिए सफिशियंट टाइम अवेलेबल है टू कैरी आउट द डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर, यानी यहाँ पर नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर भी डिकम्पोज हो जाता है। अब एक टर्म आता है एक्सटेंडेड एरेशन प्रोसेस। तो एक्सटेंडेड एरेशन प्रोसेस में क्या किया कि आपने मिक्सिंग तो मैकेनिकली करी बट चैनल जो है वो लॉन्ग प्रोवाइड कर दिया। इससे क्या हुआ कि यूनिफॉर्मली मेंटेन रहा, यानी कि जो इन्वायरमेंट है वो एक जैसा होमोजेनस इन्वायरमेंट रहा, लेकिन टाइम लेंथ ज़्यादा प्रोवाइड करने से क्या हुआ, जो नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर है वो भी डिकम्पोज हो गया। देख लीजिए कि फ्लो रिजीम इन एक्सटेंडेड एरेशन प्रोसेस इज इसेंशियली कम्प्लीटली मिक्सड होता है, बट इसमें क्या करते हैं, लॉन्ग नैरो चैनल्स अडॉप्ट कर देते हैं। तो जो पीएसटी प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक है वो इस केस में अवॉइड कर देते हैं, और ये जो प्रोसेस है इम्प्लाई करता है लोअर ऑर्गेनिक लोडिंग रेट, यानी कि ऑर्गेनिक लोडिंग रेट कम और एमएलएसएस या जो कंसंट्रेशन है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वो बढ़ा देता है, जिसकी वजह से एफ बाई एम रेशियो लोअर हो जाता है, विच प्रोवाइड्स कंपेरेटिवली हायर डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट। ये हायर डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट को प्रोवाइड करता है। तो जनरली एक्सटेंडेड एरेशन प्रोसेस को यूज़ कर लेते हैं। कंप्लीट मिक्स प्रोसेस में नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मेटल डिकम्पोज नहीं हो पा रहा था, प्लग फ्लो प्रोसेस में नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मेटल डिकम्पोज हो रहा था बट कंप्लीट मिक्सिंग नहीं हो रही थी। इस प्रोसेस के थ्रू दोनों ही पार्ट सेटिस्फाई हो रहे हैं। अनलाइक नॉर्मल, अगर आप एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस की बात करें तो एक्सटेंडेड एरेशन इज मेंटेन इन एंडोजेनस फेज में मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से जो डेड सेल मास हैं उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है डाइजेस्टिव स्लज में दैट नॉट रिक्वायर सेपरेट डाइजेस्टर, जिनकी वजह से कोई अलग डाइजेस्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि डेड सेल मास खुद ही खत्म होते चले जाते हैं आपस में एंडोजेनस रेस्पिरेशन की वजह से, तो इनको कलेक्ट करने के लिए अलग से डाइजेस्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती इनके ट्रीटमेंट के लिए। इनको आप डायरेक्टली जो है ड्राइंग बेड्स में इसके ड्राई होने के लिए भेज देते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस कहलाता है एक्सटेंडेड एरेशन प्रोसेस। अब बात करते हैं कंप्लीट मिक्स प्रोसेस की। तो कंप्लीट मिक्स प्रोसेस में क्या होता है कि जो डिस्चार्ज है क्यू नॉट, सपोज वो पीएसटी से होता हुआ एंटर किया एरेशन टैंक में, और उस समय जो बायोमास है उसकी कंसंट्रेशन एक्स नॉट है
और जो फूड है उसकी कंसेंट्रेशन सपोज एस नॉट है। तो जब ये एरिशन टैंक में गया जिसका वॉल्यूम वी था, तो वहाँ पर क्या हुआ कि फूड तो डिक्रीज होना शुरू हो गया, सपोज उसकी कंसेंट्रेशन एस हो गई, और बायोमास क्या हुआ, उसकी ग्रोथ होना शुरू हो गई, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो होने लगे, तो उनकी कंसेंट्रेशन सपोज एक्स हो गई। तो यहाँ से जब जो निकलेगा वेस्ट वाटर, तो उसकी कंसेंट्रेशन बायोमास से क्या होगी, एक्स, और फूड की कंसेंट्रेशन एस। जब ये सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में जाएगा तो यहाँ पर ये सेटल हो जाएंगे, यानी कि फूड की कंसेंट्रेशन तो एस ही रही, ठीक है, तो कुछ डिस्चार्ज इसने रिसर्कुलेट कर दिया, यानी कुछ डिस्चार्ज जो है इधर फिर से एरिशन टैंक में भेज दिया। सपोज ये डिस्चार्ज जो था इनिशियली क्यू यू इधर भेज दिया, और रिमेनिंग कितना बचा, यहाँ पर जो डिस्चार्ज आया वो क्या था, क्यू नॉट प्लस क्यू आर, क्योंकि एक तो ये डिस्चार्ज और ये डिस्चार्ज, दो डिस्चार्ज एंटर हुए, तो यहाँ पे क्यू नॉट प्लस क्यू आर था, इसमें से क्यू यू इधर भेज दिया, तो रिमेनिंग कितना बचा इधर, क्यू नॉट प्लस क्यू आर माइनस क्यू यू, ठीक है। तो उसमें जो है कंसनट्रेशन जो है बायोमास की वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये पार्टिकल जब सेटल हो जाएंगे फाइनली, तो बायोमास क्या होगा, कम वाटर में जो कंसेंट्रेशन है उसकी बढ़ जाएगी, तो सपोज ये एक्स ही हो गई, और फूड की कंसेंट्रेशन सेम रहेगी एस, जो ऑर्गेनिक मैटर है। फिर यहाँ आया, सो सपोज ये डिस्चार्ज क्यू था, इसमें से क्यू आर जो है रिसर्कुलेट कर दिया, और रिमेनिंग डिस्चार्ज जो है वो क्यू डब्ल्यू इधर भेज दिया बाहर, तो क्यू आर रिसर्कुलेट हो गया, कंसेंट्रेशन तो सेम ही रहेगी, क्यू डब्ल्यू इधर आ गया और क्यू आर इधर आ गया, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं, या तो क्यू आर माइनस क्यू यू को क्या लिख सकते हैं, कि आपको पता है कि टोटल अगर इसमें से माइनस कर दें तो क्यू यू माइनस क्यू आर क्या हो जाएगा, क्यू डब्ल्यू, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू नॉट माइनस क्यू डब्ल्यू। या आप ये कह सकते हैं कि एंटर कितना हुआ, क्यू नॉट एंटर हुआ, ठीक है। जब क्यू नॉट एंटर हुआ, इधर बाहर कितना निकल गया, क्यू डब्ल्यू, तो इधर कितना बाहर निकलेगा, बचा हुआ, तो क्यू नॉट माइनस क्यू डब्ल्यू जो है वो रिमेनिंग इधर बाहर चला गया, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं बायोमास की, तो आपको पता है कि जो बायोमास है वो कितना अंदर आया, यानी एक इक्वेशन अगर आप देखें तो कितना अंदर आया, प्लस बायोमास की ग्रोथ कितनी हुई, क्योंकि अंदर ग्रोथ होगी, जितनी ग्रोथ हुई इन दोनों का अगर सम करते हैं तो उतना ही बायोमास बाहर चला जाएगा, यानी बायोमास आउट, तो एक ये बैलेंस इक्वेशन बन जाएगी। तो आपको पता है इन कितना हुआ, क्यू नॉट इंटू एक्स नॉट, ये बायोमास है, तो Q0 into X0 जो है ये इन हुआ। जब आपको पता है वेस्ट वाटर अंदर गया, एंटर हो रहा था, तो उस समय माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कुछ थे नहीं, ग्रोथ तो अंदर हुई है, तो फाइनली X0 और जितने बाहर निकले XC, इनको नेग्लेजिबल मानते हैं, यानी X0 और XC जो है इसको आप नेग्लेक्ट कर देते हैं, इनकी कोई कंसंट्रेशन उस समय नहीं होती, ठीक है। एस नॉट की कंसंट्रेशन है क्योंकि फूड है, लेकिन अगर बायोमास पहले ही प्रेजेंट होता तो फाइनली डिकम्पोजिशन शुरू हो जाता है इसका, लेकिन इसमें जो है बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं थी कुछ भी, यानी ये नेग्लेजिबल है, और ये भी आप एफ्लुएंट की भी नेग्लेजिबल कंसीडर करते हैं। तो सपोज इन कितना हुआ, क्यू नॉट एक्स नॉट, प्लस ग्रोथ कितनी हुई, डी एक्स अपॉन डी टी ग्रोथ होती है, यानी टी टाइम में टोटल वॉल्यूम कितना था, बी, यानी कि वी इंटू डी एक्स अपॉन डी टी इतना ग्रोथ हो गई, इक्वल टू आउट कितना हुआ। तो आपको पता है कि एक तो इधर से बाहर निकला, दूसरा एक इधर साइड से बाहर निकला, तो इधर कितना बाहर निकला, Q0 माइनस QW इंटू ये कंसंट्रेशन क्या है, XC बायोमास की, प्लस इधर कंसंट्रेशन क्या है, QW इंटू XU, ठीक है। तो आपको पता है X0 और XC नेग्लेक्ट करने हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे X0 और XC, तो बचा क्या, V इंटू DX अपॉन DT को आप पीछे सॉल्व कर चुके हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, K माइनस के ई आर इंटू एक्स, ठीक है, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू डब्ल्यू इंटू एक्स यू। तो यहाँ से आप K की वैल्यू निकाल सकते हैं, K इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू डब्ल्यू एक्स यू डिवाइडेड बाई वी इंटू एक्स प्लस के ई आर। तो एक इक्वेशन जो है आपकी K की ये बन गई। अब ये तो बात हो गई बायोमास की, अब बात करते हैं फूड की। तो आपको पता है फूड कितना इन हुआ, माइनस फूड कंज्यूम कितना हो गया या डिकम्पोज कितना हो गया अंदर ही, उसके बाद जो रिमेनिंग बचा वो फूड क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इन कितना हुआ, क्यू नॉट इंटू एस नॉट, इतना जो है फूड इन हुआ, माइनस कंज्यूम कितना हुआ, डी एस अपॉन डी टी रेट था उसके हिसाब से जो है कंज्यूम हो गया, लेकिन आपको पता है ये डिक्रीज हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है मतलब कम हो रहा है, तो इसमें माइनस साइन लगा देंगे, टोटल वॉल्यूम कितना था, वी वॉल्यूम में कितना होगा, इक्वल टू आउट कितना हो रहा है, एक तो इधर साइड से आउट हो रहा है, यानी क्यू नॉट माइनस क्यू डब्ल्यू इंटू एस, ये फूड आउट हो गया, प्लस इधर साइड से आउट हुआ क्यू डब्ल्यू इंटू एक्स, क्यू डब्ल्यू इंटू एस, ठीक है। तो क्यू डब्ल्यू एस तो कैंसिल हो गया, तो
तो फाइनली यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू नॉट कॉमन ले लीजिए, ये इधर ले आइए, तो क्या आ जाएगा एस नॉट माइनस एस इक्वल टू वी माइनस डी एस अपॉन डी टी। तो माइनस डी एस अपॉन डी टी को आपने क्या पढ़ा था कि डी एक्स अपॉन डी टी इंटू वन अपॉन वाई, या आपने यही पढ़ा था कि माइनस वाई डी एस अपॉन डी टी जो है, यानी जितना फूड परसेंट जो है कम हुआ उतना ही बायोमास का रेट इंक्रीज हुआ। तो ये वैल्यू आप डी एस अपॉन डी टी को क्या लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी अपॉन वाई, माइनस साइन जो है कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा क्यू नॉट एस नॉट माइनस एस इक्वल टू वी, और डी एक्स अपॉन डी टी को आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिर्फ के इंटू एक्स, क्योंकि ये कंडीशन में, इस कंडीशन में डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू सिर्फ के इंटू एक्स है, के ई आर यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि सिर्फ ग्रोथ की ही बात हो रही है। तो के इंटू एक्स डिवाइडेड बाई वाई, तो फाइनली यहाँ से के की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या आ जाएगी क्यू नॉट एस नॉट माइनस एस इंटू वाई डिवाइडेड बाई वी इंटू एक्स। तो एक तो फूड के केस में के की वैल्यू ये आ गई, दूसरी बायोमास के केस में के की वैल्यू ये आई, इन दोनों को आप इक्वेट कर सकते हैं। तो जब आप इक्वेट करेंगे तो फाइनली क्या आ जाएगा, क्यू डब्ल्यू एक्स यू अपॉन वी इंटू एक्स प्लस के ई आर, ये जो बायोमास से आई थी के की वैल्यू, विच इज़ इक्वल टू क्यू नॉट एस नॉट माइनस एस इंटू वाई अपॉन वी इंटू एक्स। ठीक है, जहाँ पर क्यू डब्ल्यू क्या है, जो फाइनल डिस्चार्ज जो निकला है, इनटू एक्स यू जो है कंसंट्रेशन जितनी ग्रोथ हुई है, अपॉन वी वॉल्यूम ऑफ एरेशन टैंक, इनटू एक्स जो है वो आपको पता है कि एक्स बायोमास कंसंट्रेशन है, प्लस के ई आर एंडोजेनस रेस्पिरेशन कोफिशियंट हो गया, क्यू नॉट इनिशियल डिस्चार्ज है, एस नॉट जो है इनिशियल जो है आपका फूड रेट है, माइनस जो है एस का जो जितना फूड कंज्यूम हो गया उसके बाद जो एस बचा फूड वो है एस की वैल्यू, इंटू वाई परसेंट हो गया अपॉन वी इंटू एक्स। तो फाइनली ये इक्वेशन जो है आपको मिल गई। अब कुछ डिज़ाइन पैरामीटर्स हैं एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के लिए, देख लीजिए। फर्स्ट है हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम, ये वो इसको डिफाइन करते हैं, इट इज़ एज द वॉल्यूम ऑफ एरेशन टैंक टू द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वेस्ट वाटर इन द सिस्टम एक्सक्लूडिंग रीसर्कुलेशन। जब रीसर्कुलेशन नहीं हो रहा है तो वो आपका कहलाएगा कि वो वॉल्यूम ऑफ एरेशन टैंक टू द रेट ऑफ फ्लो, हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम मतलब क्या है, टोटल वॉल्यूम कितना है एरेशन टैंक का, टू द रेट ऑफ फ्लो, कितना फ्लो रेट है क्यू नॉट, तो इसकी वैल्यू जो है वो आर में आती है, इसको कहते हैं हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम। यानी इनिशियली वी वॉल्यूम में जितना डिस्चार्ज आपने प्रोवाइड किया तो उतने में जो टाइम लगा दैट इज़ नोन एज हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनिक लोडिंग रेट, तो ये डिफाइन करते हैं कि एज द अमाउंट ऑफ बीओडी अप्लाइड टू द सिस्टम टू द वॉल्यूम ऑफ एरेशन टैंक, तो कितना आपने जो है बीओडी अप्लाई किया सिस्टम में, तो क्यू नॉट और बीओडी की इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी। बीओडी मतलब है क्या, ऑर्गेनिक मैटर या फूड की कंसंट्रेशन है एस नॉट डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ एरेशन टैंक, तो इसकी जो यूनिट होती है दैट इज़ केजी पर मीटर क्यूब पर डे, तो ये आपका कहलाता है ऑर्गेनिक लोडिंग रेट, यानी कितना आपने ऑर्गेनिक मैटर लोड किया। तो आपको पता है क्यू नॉट और एस नॉट आपने लोड किया कितने वॉल्यूम में, टोटल वी वॉल्यूम में, ठीक है। तो एरेशन टैंक में सिस्टम में कितना वॉल्यूम था, वी वॉल्यूम, तो ये आपका कहलाएगा ऑर्गेनिक लोडिंग रेट। अब नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक फूड या सबस्ट्रेट या यूटिलाइजेशन रेट, सबस्ट्रेट यूटिलाइजेशन रेट इसको यू से डिफाइन करते हैं। तो ये होता क्या है कि इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बीओडी रिमूव्ड बाय द सिस्टम टू द मास ऑफ एमएलएसएस इन द एरेशन टैंक, मतलब क्या है कि कितना बीओडी जो है वो सिस्टम में रिमूव, सिस्टम द्वारा रिमूव हो गया। तो आपको पता है यू इक्वल टू क्या है, यहाँ पे देख लीजिए कि कितना एंटर हुआ, क्यू नॉट इंटू एस नॉट, फूड या बीओडी आप एक ही बात है, तो इतना एंटर हुआ तो उसमें से अगर फाइनल कितना निकला तो अगर वो माइनस कर दें तो आप ये कह सकते हैं कि कितना रिमूव हो गया सिस्टम में। तो इनिशियली क्या था, क्यू नॉट माइनस क्यू डब्ल्यू, एक तो इधर साइड से ये निकला था इंटू एस कंसनट्रेशन प्लस क्यू डब्ल्यू इंटू एस, इतना टोटल आउट हुआ, इन इतना हुआ, तो ओवरऑल रिमूव कितना हो गया, इन माइनस आउट कर दें, डिवाइडेड बाई टू द मास ऑफ एम एल एस एस, यानी एम एल एस एस का मास क्या है, वी इंटू एक्स, ठीक है। तो ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या आ जाएगा, क्यू नॉट इंटू एस नॉट माइनस एस अपॉन वी इंटू एक्स। तो इसको आप कहते हैं फूड यूटिलाइजेशन, सबस्ट्रेट यूटिलाइजेशन रेट, तो कितना फूड यूटिलाइज हो गया, कितना स्पेसिफिक फूड है मतलब कितना यूज़ हो गया टोटल
ओवरऑल मास में। तो वी इंटू एक्स में फूड जो यूज हुआ वो हो गया क्यू नॉट एस नॉट माइनस एस। अब नेक्स्ट आता है स्लज एज, जिसको आप थीटा सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको पता है ये वो एवरेज टाइम है जिसमें बायोमास जो है रिमेन्स इन द सिस्टम, कितना टाइम तक बायोमास सिस्टम में रहा, तो ये आपका कहलाता है स्लज एज एंड इज डिफाइंड एज द मास ऑफ बायोमास इन द एरेशन टैंक टू द मास ऑफ बायोमास लीविंग द सिस्टम पर डे। यानी कि कितना मास जो है एरेशन टैंक में रहा, ठीक है, रिटेन रहा टू द मास ऑफ बायोमास लीविंग द सिस्टम। तो आपको पता है कि कितना सिस्टम में बायोमास रहा, v into x डिवाइडेड बाई कितना जो है सिस्टम से लीव किया। तो आपको पता है कि बायोमास क्या है, q नॉट माइनस क्यू डब्ल्यू इंटू एक्स सी प्लस क्यू डब्ल्यू इंटू एक्स यू, इतना जो है सिस्टम से लीव कर गया। लेकिन एक्स सी नेग्लेक्ट होता है, इसको जीरो मान लेते हैं, तो फाइनली वैल्यू क्या आ जाती है, वी एक्स अपॉन क्यू डब्ल्यू इंटू एक्स यू। तो ये आपका कहलाता है स्लज एज, यानी कि इतना लीव किया इसमें से इतना बायोमास जो है वो सिस्टम में रिमेन रहा, तो वो एवरेज टाइम जो है आपका कहलाता है स्लज एज। अब देख लीजिए मेन इक्वेशन क्या थी आपकी, क्यू डब्ल्यू एक्स यू अपॉन वी इंटू एक्स प्लस के ई आर इक्वल टू क्यू नॉट इंटू एस नॉट माइनस एस इंटू वाई डिवाइडेड बाई वी इंटू एक्स। तो आपको पता है वी एक्स अपॉन क्यू डब्ल्यू इंटू एक्स यू, ये क्या है आपका स्लज एज, ठीक है, वी एक्स अपॉन क्यू डब्ल्यू एक्स यू, तो इसको वन अपॉन थीटा सी लिख सकते हैं, प्लस के ई आर और क्यू नॉट एस नॉट माइनस एस अपॉन वी एक्स। ये आपको पता है कि कितना फूड यूटिलाइज हो गया पूरे सिस्टम में, तो ये वैल्यू क्या हो गई आपकी, फूड सबस्ट्रेट यूटिलाइजेशन रेट, जिसको यू से डिफाइन करते हैं, इंटू वाई। तो फाइनल इक्वेशन आपकी क्या बन गई, वन बाई थीटा सी प्लस के ई आर इक्वल टू यू इंटू वाई। अब नेक्स्ट टर्म आता है स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। तो ये क्या होता है, इसको डिफाइन करते हैं कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई इन वन लीटर बाई वन ग्राम ऑफ सॉलिड्स इन मिक्स लिक्वर। जब आप मिक्स लिक्वर में जो सॉलिड्स हैं उनको 30 मिनट तक सेटल करने के लिए अलाउ करते हैं, तो एक ग्राम सॉलिड द्वारा जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया गया ml में, तो वो आपका कहलाता है स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। तो जो स्लज वॉल्यूम इंडेक्स है इसकी यूनिट होती है मिली लीटर पर ग्राम, जनरली आप देखते हैं मिलीग्राम पर लीटर, तो उसको जस्ट अपोजिट कर दीजिए और मिली लीटर, इसको लीटर को मिली लीटर, मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए, तो आपको स्लज वॉल्यूम इंडेक्स की वैल्यू मिल जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स।